हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम टास्क नंबर 11 को करने जा रहे हैं, जो कि है x टू पावर x टू पावर 2024 इज इक्वल टू 2024। और यहां पर हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे कंसीडर करेंगे लेट x टू पावर 2024 इज इक्वल टू y। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या बन जाएगा, x टू पावर, ये टोटल यहां पर देखिए ये टोटल क्या है, y के इक्वल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, y को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये x टू पावर y इज इक्वल टू 2024। अब इस पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2024 का पावर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा। ओके, अब यहां पर देखिए हम एक सर्वसंख्या को अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है कि अगर x के पावर m के पावर n होता है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, x के पावर n के पावर m। ओके, तो सेम हम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, इस पे x के पावर 2024 टू पावर y इज इक्वल टू 2024। यहां पर देखिए कि ये x टू पावर क्या लिखा है, 2024। ओके, और यहां पर हमने अभी कंसीडर किया है, यहां पर देखिए हमने कंसीडर किया है कि x के पावर 2024 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम यहां पर जस्ट इसके जगह पे, यानी x के पावर 2024 की जगह पे हम क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y टू पावर y इज इक्वल टू 2024 टू पावर 2024। ओके, यहां पर देखिए राइट हैंड साइड पे सेम नंबर टू पावर सेम नंबर, एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, सेम नंबर टू पावर सेम नंबर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो y है किसके इक्वल होगा, 2024 के। ओके, और यहां पर हमने अभी कंसीडर किया था कि x टू पावर 2024 जो होता है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, x टू पावर 2024 इज इक्वल टू, यहां पर y की वैल्यू को पुट करेंगे क्या आएगा, ये 2024 आ रखा है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, पावर 1 अपॉन क्या कर देंगे, 2024 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 2024 टू पावर 1 अपॉन 2024। यहां पर देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2024 टू पावर 1 अपॉन 2024, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर टास्क। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।